वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग ठंडा ठंडा रेसिपी गर्मी के लिए। तो ये है ब्रेड कुल्फ़ी की रेसिपी। अगर घर में कोई भी सामान नहीं है तो सिर्फ आप ब्रेड से इसे बना सकते हैं और ठंडे ठंडे गर्मी में आप इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें इसके लिए चाहिए चार ब्रेड। तो चार ब्रेड आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, आपके पास जो है वो ले सकते हैं। इसे करना है साइड से कट इस तरीके से। ये जो ब्राउन पार्ट है साइड का वो बिल्कुल देख के हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे वापस से फोर पार्ट में करेंगे। इसका रेडी करना है पाउडर। इस तरह से आप देख सकते हैं ब्रेड को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रेडी करना है। तो हम इसे मिक्सर में डाल करके तो धीरे धीरे करके एक साथ नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमें थोड़े थोड़े रुक रुक के करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट ये पाउडर बन करके रेडी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। वापस हमें ले लेंगे एक पैन का, उसमें ऐड करेंगे दो बड़े कप होल मिल का। अगर होल मिल नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं। इसे लगातार चलाते रहना ताकि इसके ऊपर कोई मलाई नहीं आ जाए। तो इस तरह से एक जैसे ही एक बॉयल आएगा हम ऐड करेंगे जो ब्रेड का जो हमने पाउडर रेडी किया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, दो से तीन चम्मच एक बार में ऐड करना है। तो इसे दो से तीन बार में हम ऐड करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे से जल जाएगा। इस तरीके से चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा थिक होने स्टार्ट हो गया है। इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना ना नीचे से ये जल जाएगा। तो वापस से हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक बड़ा कप शुगर का। आप चाहे तो वाइट शुगर या ब्राउन शुगर कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। इसे भी हम मिलाते रहेंगे। जैसे ही हम शुगर ऐड करेंगे वैसे जो हमारा मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाएगा इसमें, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से थिक होने लगेगा। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है वन बड़ा कप ऐड किया छोटी इलायची का पाउडर। आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, छोटी इलायची का पाउडर दोनों भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो कोई कुछ एक भी ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद भी हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे ये थिक होता जा रहा है। ये हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो हम एक बार इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये परफेक्ट बन करके रेडी है। हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, 15 से 20 मिनट। जैसे जैसे ठंडा होगा ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे नहीं है वो थिक होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया है। अब हमें लेना है एक बर्तन, उसमें हम कर देंगे ट्रांसफर। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही थिक हो चुका है। इसे हम कर देंगे 2 से 3 बार टैप टैप, और साथ में हम इसे डेकोरेट करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से। तो हमें यहाँ पे आलमंड्स और पिस्ते के लिए हैं। आप चाहे तो जो आपको पसंद हो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। साथ ही साथ मेरे पास कुछ पिस्ते के पाउडर है, मैं वहाँ उसको भी डालूंगी डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं ये। इस तरह से वापस से हम फिर से एक से दो बार टैप टैप करेंगे और 10 से 12 घंटे के लिए हमें रखना है इसे फ्रीजर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे, आप देख सकते हैं परफेक्ट जम करके रेडी है। तो इसे करना है कट। आप चाहे तो जिस शेप में आपको खाना है, जिस शेप में आपको पसंद है, आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है जो ब्रेड कुल्फी हमारी बन करके रेडी है। तो ये है कुल्फी। तो अगर आपके पास है कोन तो आप इसे कोन में भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्लेटिंग करेंगे हम ब्रेड कुल्फी की। तो आप देख सकते हैं देखने में तो मज़ेदार लग भी रही है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो हम मेरे पास एक दो कैन का कोन का है, शुगर कोन का जो आइसक्रीम के लिए लेते हैं। तो हमने मेरे यहाँ पे हम ले लेंगे उसको और फील करेंगे इसको भी। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से हमें फील करना है इसे।
इसे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे पिस्ते और आलमंड से। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ठंडा ठंडा जो कुल्फी की रेसिपी है ये बनकर के रेडी। आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही मज़ेदार है, खाने में तो और भी टेस्टी। आप ट्राई करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी।